नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप और आपके फैमिली मेंबर सब खुश और खुशहाल होंगे। दोस्तों, लाज ओपनिंग बनाने जा रहा हूँ आज की वीडियोस की। देख सकते हो रात को 12 बज के गए हैं। मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोग विदाउट टेंशन किसी प्लेसमेंट के चक्कर में ना पड़े, आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मेरे तरफ से फ्री में मिले। दोस्तों, मेरे पास 2 से 3 रिक्वायरमेंट आई, एक ही कंपनी में रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट एक थाने में है, एक रिक्वायरमेंट है विक्रोली में, सॉरी 2 रिक्वायरमेंट विक्रोली में है। पहला तो थाने में है, दूसरा विक्रोली में है। थाने में जो रिक्वायरमेंट है वो सिक्योरिटी गार्ड की है, ड्यूटी वहाँ पे 8 घंटा 26 दिन की है, सैलरी वहाँ पे 21,000 से लेके 23,000 बताई जा रही है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो विक्रोली में है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, गोदरेज कंपनी नाम, गोदरेज में रिक्वायरमेंट है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट गोदरेज में जाना नहीं है, मैं नंबर दूंगा मैनेजर, उसके थ्रू ही आपको गोदरेज में जाना है। यहाँ पे गोदरेज में सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है और फायर मार्शल की रिक्वायरमेंट है, फायर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। गार्ड को जो सैलरी दी जा रही है 21,000 से लेकर 23,000 है। ध्यान रखना है फायर मार्शल, फायर ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड की हाइट मिनिमम 5'8" होना चाहिए, वही बंदा जॉब के लिए अप्लाई करे। उम्र 35 के अंदर होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गार्ड के लिए, 10 क्लास पास होना चाहिए, वही बंदा जॉब के लिए अप्लाई करे। ठीक है दोस्तों, फायर मार्शल के लिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, डिप्लोमा फायर का या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फायर मार्शल को, फायर ऑफिसर को सैलरी यहाँ पे 27 से लेके 30,000 बताई जा रही है। ड्यूटी आवर्स के बारे में आई थिंक मुझे श्योर नहीं है, 8 घंटा या 12 घंटे की है। मैं दीपे वहाँ के मैनेजर का नंबर और नाम मैं वीडियो के स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा, हो सकेगा तो मैं कंपनी का एड्रेस भी शेयर करूंगा। गारंटी है वहाँ का जो मैनेजर का नंबर शेयर कर रहा हूँ दीपेश नाम है, वो अगर फोन नहीं उठाते हैं तो डायरेक्ट कंपनी में विजिट कीजिए, गोरेगांव ईस्ट में इनका ऑफिस है। डायरेक्ट मॉर्निंग में 9 बजे विजिट कीजिए, अपना रिज्यूम, फॉर्मल कपड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, गारंटेड आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना यूनिफॉर्म का कोई चार्जेस नहीं है, रिक्रूटमेंट चार्जेस कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं, टोटल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। काफी बड़ी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, डेनमार्क कंपनी में रिक्वायरमेंट है, कंपनी का नाम बता देता हूँ, ISS में रिक्वायरमेंट है, ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। 7 तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। कंपनी तरफ से आपको PF, ASIC, बोनस, लीव सैलरी, ग्रेचुटी, 7 लाख का इंश्योरेंस, मेडिकल दिया जा रहा है। काफी बड़ी कंपनी में रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, ऑफिस जाके जरूर एक बार विजिट कीजिए। वहां पे 2 लोग आपको मिलेंगे, पहला तो आपको मिलेगा दीपेश, दूसरा आपको मिलेंगे एंथोनी राजी, HR मैनेजर है दोस्तों। रेफरेंस में दोनों को मेरा नाम बताइए, श्रवण गुप्ता सर ने हमें यहाँ का एड्रेस दिया है, हम आपकी कंपनी में ट्राई करना चाहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 3 से लेकर 7 दिन का ट्रेनिंग होगा, सारी चीजें कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट भी जा सकता है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी जा सकता है, लेकिन हाइट 5'8" या उसके ऊपर वाला ही बंदा जॉब के लिए अप्लाई करे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। इंपॉर्टेंट चीज, एक बांद्रा में भी शायद इनके पास रिक्वायरमेंट है, ताज होटल में, यहाँ पे 30,500 से 32,000 बताई जा रही है। ड्यूटी 12 घंटा 26 दिन की है, हाइट यहाँ पे 5'8" या 5'9" वाला ही जॉब के लिए अप्लाई करे। यहाँ पे ताज होटल में जॉब के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 1 साल का मिनिमम सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, समाप्त करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, इसी प्रकार विदाउट टेंशन घर बैठे जॉब ओपनिंग पाने के लिए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।